नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। चुनाव के इस चहलकदमी करते हुए मैं पहुंच गया हूं बेगूसराय, और बेगूसराय आने के बाद अब यहां के प्रत्याशियों से रूबरू हो रहा हूं। बेगूसराय में एक बात मुझे सुनने को मिली, बेगूसराय का मतलब बोगो सिंह, बोगो सिंह का मतलब बेगूसराय, ये उनके समर्थक और इनके चाहने वाले कहते हैं। क्या ये बात सच है? तो चलिए समझते हैं, सुनते हैं मटियानी के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह से कि यह चर्चा क्या वाकई सच है। बात में कुछ सच्चाई जरूर है। सच्चाई इसलिए है, जो माँ दुर्गा का बेटा हूँ, बेगूसराय का बेटा हूँ, मटियानी विधानसभा का बेटा हूँ, भारतीय संस्कार संस्कृति वेद को समझता हूँ, पढ़ा नहीं है, समझता हूँ, क्योंकि माँ के द्वारा मेरे जीवन में वेद की ज्ञान दी जाती है, व्यवहारिकता की ज्ञान दी जाती है। मेरे पास दो साधन हैं, एक साधन है जिस खून में मानवीय संवेदना है, मानवता की सेवा करना, और मेरा संकल्प है जो मैं सांसद विधायक मुखिया रहूं ना रहूं, जब तक इस शरीर में माँ दुर्गा का आदेश से सांस चलते रहेंगे, मेरे यहाँ कोई आएंगे, मैं एक गिलास ने आधा गिलास पानी लेके उनकी सेवा का जो व्रत लिया है सदा उसको जारी रखूंगा। दूसरा, एक हमारे को अधिकार मिला है, आशीर्वाद मिला है, जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि के रूप में जब तक हमारे मतदाता मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे, मैं राजनीति करूंगा। और जिस दिन हमारे कार्यों से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहारिकता से हमारे मतदाता को चोट लग जाएगी, मैंने संकल्प लिया और मतदाता को पता है कि मैंने कह दिया मैं जीवन भर बिना राजनीति आपकी सेवा करूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपके घर के दीवार पर एक चिपका हुआ है, मैं भी बोगो, तुम भी बोगो, हम सब हैं बोगो। अगर सब बोगो हो जाएंगे तो फिर वोट किसको देंगे और आप वोट किन से लेंगे? बोगो तो प्रत्याशी है ना, बोगो प्रत्याशी है इस लोकतंत्र के महान पर्व में, मैं प्रत्याशी हूँ तो मैं तो बोगो हूँ, मैं भी अपना वोट डालूंगा ना, लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करूंगा। तू भी बोगो, आप भी प्रत्याशी, आप भी मतदाता हो ना, आपको भी लोकतंत्र की रक्षा करना जिम्मेवारी है, आप भी वोट डालोगे ना, हम सब बोगो, हम सब भी तो मतदाता हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अग्रसर हैं। आपके जीत के बाद बोगोमय होगा पूरी विधानसभा या फिर उसके बगैर भी बोगोमय रहेगा? नहीं, मैं 97 में राजनीति में आया, 97 उसी समय से लोग बोगो हैं। जीत के बाद क्या, जब तक सांस रहेंगे तब तक सब बोगो रहेंगे। इसलिए जो मैं बेगूसराय का इकलौता बेटा हूं, बेगूसराय के हमारे अभिभावकों ने बड़े ही उम्मीद और मान सम्मान से इस बेटा के जीवन में संस्कार दिया है, इस बात को आप समझिए। जिला की नजर मेरे पर गरी हुई है और मेरी नजर बेगूसराय जिला के तमाम झोपड़पट्टी में रहने वाले हों या आठ महल में रहने वाले हों, तमाम मतदाता का मैं बेटा हूं, एक गिलास पानी लेके खड़ा हूं भैया। 97 में आपने राजनीति शुरू की, आपने बताया, लेकिन आपको कामयाबी मिली 7 साल बाद 2005 में, और निर्दलीय आप जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। 7 साल के बाद यह जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर खत्म नहीं हुआ या इसमें ब्रेक नहीं लगी, क्या लगता है कि राजनीति में आने के लिए लोगों के अंदर किस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए या शक्ति होनी चाहिए? राइट, बहुत स्टैंडर्ड का आपने सवाल किया है, बहुत स्टैंडर्ड। मैं आपका स्वागत के सवा की धरती, बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती, राष्ट्रकवि दिनकर की धरती, बिहार केसरी के कर्म भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 97 मैंने खल्ली लिया कैसा है, महना नूरपुर पंचायत, कोऑपरेटिव, किसान का कोऑपरेटिव था, मैं चुनाव लड़ा और मैंने सिर्फ यही कहा जो बेटा बना के देखो कष्ट नहीं होगा। मतदाताओं ने, किसानों ने मुझे चुनने का कार्य किया, इलेक्टेड 2 साल के लिए। 99 में चुनाव फिर आ गए, मैंने कहा हमको छोड़ दीजिए, हमारे किसान ने कहा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन होगा और आप निर्विरोध हो जाए, मैंने उनके आदेश का पालन किया। फिर 2001 में मन भी बढ़ गया,
क्योंकि मतदाता का प्यार इतना मिलना शुरू हो गया, जो उसको सेवा भाव कहिए या हमारी भूख कहिए, क्योंकि हिंदी के एक शब्द के अनेक मायने हैं, लोग अपनी नजरिया से उसका मायने निकालते हैं, सेवा कहें या भूख कहें। मैं 2001 के पंचायती राज में चुनाव लड़ गया और ऐतिहासिक आशीर्वाद मुझे मिला। अभी जो होटवार जेल में आदरणीय लालू जी जो चक्की चला रहे हैं ना, जाति का चक्की, माई समीकरण का चक्की, लूट का चक्की, तो उनके आदेश से हमको जिला बदर मिल गई। तो भोगो सिंह बेगूसराय हम नहीं रहे, बाहर चला जाए, हम वोट भी नहीं मांग पाए अपने मतदाता मालिक से, और मतदाता मालिक ने मुझे पंचायती राज में जिला परिषद बना के भेज दिया। वो भी कार्यकाल हम पूरा नहीं कर सके, भूख बढ़ती चली गई, सेवा बढ़ती चली गई। 2005 में मैं टिकट के लिए गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, यहां से दिल्ली तक टिकट नहीं मिली, मैंने अपना चरित्र नहीं बेचा, दूसरे पार्टी नहीं गए, और इस जन्म में नहीं, मैं अपने मतदाता के आंचल में आया। मतदाता ने कहा, बेटा रोने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तू चुनाव लड़ो। 2005 का चुनाव मैं लड़ा, मतदाता पीछे से धक्का देके विधानसभा पहुंचा दिया, मैं तो विधानसभा नहीं जा सका, और बिहार का लोकतंत्र में ताला लगा ही रह गया। एक पति पत्नी बेटा दामाद आंचल में जो बच्चा पल रहा, उसके लिए भी प्लानिंग करने वाले विकास पुरुष लोग कहते हैं, पता नहीं वंशवाद पति पत्नी बाद को विकास पुरुष लोग कहते हैं। रामविलास जी ने कहा, जो सत्ता की चाबी मेरे पॉकेट में है, मैं इसको फेंक दूंगा। मैंने अपने मतदाता से पूछा था, जो मैं निर्दलीय जा रहा हूं, क्या आदेश है? मतदाता ने कहा, भाई लालू यादव तेरे को मुकुट भी दे दे, उसको लात से ठुकरा देना और एनडीए की सरकार को बनाना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो। मैंने उनके बातों का, आदेशों का सम्मान किया, एनडीए के गोद में चले गए। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, तो उनके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी जो टिकट नहीं मिलने पर दूसरे दल में चले जाते हैं? उस पर हम आ ही रहे थे ना जी, आ ही रहे। आपके मुख से निकला तो मैंने सोचा कि यही पहले सवाल करें। आपने सवाल वो भी सवाल किया है ना, उस पर हम आ ही रहे थे। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे दुर्भाग्य है इस सृष्टि में, जिसके खून में मानवीय संस्कार ने, भारतीय दर्शन ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय संस्कार ने, वो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। यानी आप जो दूसरे दल बदल करके चुनाव की सिर्फ अपनी भूख या इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे दल चले जाते हैं, उसे असंस्कारी कह रहे हैं? एकदम 100% भारतीय डिक्शनरी में सबसे गंदा शब्द जो होगा उस लायक भी वो नहीं है। कल तक मैं पूरे बिहार को मैसेज देना चाहता हूं, नॉट बेगूसराय, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता छत पर चढ़ के पेशाब करेंगे, तो उनका संस्कार जब मेरे जीवन में आएगा तो मैं उनके माथे पर पेशाब करने का प्रयास करूंगा। कल तक लोग कहते हैं, जो फलना पार्टी हमारी माँ है, और जब वहां सिंबल नहीं मिला तो मौसी गोदी में चले गए, कहते ने माँ ऐसा हम नहीं जन्म लिए, मौसी हमारा जन्म दिल के, और मौसी भी दे दिया तो चले गए नानी गोदी माँ, जो मौसियो जन्म नहीं दिल के, हमारा नानी जन्म दिल के। इस सृष्टि में वेद में माँ से बढ़ के कुछ नहीं। बड़ी दिलचस्प बात हो रही है भोगो सिंह से, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को, इस बातचीत को और बेगूसराय की राजनीति को समझने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी दिलचस्प बात हो रही है बेगूसराय की राजनीति को लेकर, दल बदल की इस 2020 के चुनावी मंजर को लेकर। हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो मटियानी के विधायक हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार की फिजा कैसी लग रही है, इस 5 साल के दरमियान क्या कुछ बदला? किस संदर्भ में आप पूछते हो? जो सवाल मंच से विरोधी भी उठा रहे हैं, आपकी सरकार, आपके नेता भी सफाई दे रहे हैं। अब भैया मैं उस चरित्र
पर चर्चा कर रहा था, एक लाइन मेरा निवेदन है जी, बिल्कुल। बिहार के राजनीतिज्ञों से निवेदन है, बेगूसराय के राजनीतिज्ञों से निवेदन है, ए चाचा ए पिता चरित्र मत बेचो। मैं देख रहा हूं ना पूरे बिहार में, बेगूसराय मटिहानी में 80 साल के बूढ़ा जिसको पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, हार गया, कहता है जो हम कांग्रेस हमारी माँ है, भाजपा हमारी माँ है, जदयू हमारी माँ है, वामपंथ हमारी माँ है, और मेरे पिता चरित्रहीनता का परिचय दे रहे हैं। दुर्भाग्य है इस भारतीय संस्कार को। मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूँ और नए जनरेशन से भी आग्रह करता हूँ, जब माँ बदले नहीं जाते तो किसी दल को माँ मत बनाना, तू स्वतंत्र होके राष्ट्र निर्माण और विकास के पथ पर रहना, और यदि दलीय प्रतिबद्धता तेरे खून में है तो माँ को नहीं बदलना, ये बोगो आपसे आग्रह निवेदन करता है। इस बार जो वोट कटवा के रूप में लोग उन्हें प्रचारित करने लगे हैं या कहने लगे हैं, आपको भी लगता है आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि LJP वोट कटवा के रूप में चुनाव के मैदान में? 100% उसमें 99 का कहां जगह है, आपको पता होगा ना। एक वोट के कारण दुनिया ने अटल जी के चरणों में नतमस्तक हुआ, एक वोट के कारण विशाल हृदय अटल जी को अपमानित किया और भारत के मतदाता पर चुनाव थोप दिया। बिहार में 2005 में ही दो बार चुनाव हो गए ना, सत्ता की चाबी गंगा में फेंक दिया और 12 करोड़ जनता पर चुनाव थोप दिया। वो तो बच्चा है, वो बच्चा बहुत बड़ा सपना देखने लगा, उसको तो दिन में सपना देखना चाहिए, रात में सपना नहीं देखना चाहिए। और इस लोकतंत्र का नाम कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, ममता नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है, जो मेरा बाप मर गया उतरी गला लटकल है, इज्जत बचा लो, मेरे बाप ये चाहते थे वो चाहते थे, सबसे नौटंकी से लोकतंत्र नहीं चलता है। इस देश के लोग लोकतंत्र को पूरी आस्था और ईमानदारी से पूजने का कार्य करते हैं, जाति धर्म विहीन लोकतंत्र की स्थापना करने में अपना दिलचस्पी रखते हैं। विकास के सवाल पर, विकास के गाड़ी पर NDA सरकार, आदरणीय मोदी जी, बिहार के आदरणीय नीतीश जी के गाड़ी पर, मांझी जी के गाड़ी पर, मुकेश सहनी जी के गाड़ी पर बिहार की जनता खड़ी है। आपके विकास को मां गठबंधन झुठला रही है, ठुकरा रही है, उनका कहना है कि वो विकास झूठा है, हाँ धुंधला है, लोगों को आईवाश किया जा रहा है। सही बात, सही बोल रहे हैं, अच्छा कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। तो भैया इसमें मेरा क्या दोष है? अब 29 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो सब पंचायत में बस खड़ा करते हैं, और जिनकी आंख में मोतियाबिंद होता है ना उनको हम पटना ले जाके मोतियाबिंद साफ कराते हैं। तीस बार सोचे हैं चुनाव के बाद, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो चरित्रहीन लोग हैं, अपना चरित्र को डेग डेग बेच रहे हैं, उन सब लोगों का मोतियाबिंद का इलाज करा देंगे। जो शायद आने वाला जो कल होगा 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा, उस समय किसी को मोतियाबिंद की बीमारी नहीं रहे। अब विकास की चर्चा करते हैं। आप मुझसे मत पूछो, मटिहानी विधानसभा में 42 पंचायत, आप भैया मेरा आग्रह किसी पंचायत से, उसमें 90% सड़क डन न तो विकास न। 2 घंटे बिजली नसीब नहीं थे बिहार में, आज सामो दीरा चले जाओ, चमथा दीरा चले जाओ, मथार दीरा चले जाओ, झोपड़पट्टी तक NDA सरकार मुखिया नीतीश कुमार ने झोपड़ी में 18 से 20 घंटा बिजली पहुंचा दिया। अब किसी गांव में चले जाओ, जिस गांव में बेहतरीन शिक्षा का मंदिर नजर आवे, आप समझो मां सरस्वती यहां स्थापित है। हर क्षेत्र में भैया विकास हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में भी विकास हुआ है और व्यक्तिगत क्षेत्र में भी विकास हुआ है। पेंशन हुआ, राशन हुआ, LPG गैस हुआ, ये सरकार 8 महल से लेके झोपड़ी तक की सुधी लगता है, उसके पीछे कारण है। नरेंद्र मोदी
नरमे नारायण, नीतीश कुमार नरमे नारायण, और उन्हीं की स्कूल का मैं एक बच्चा हूँ, मेरा भी नाम संजोग से नरेंद्र ही है। आप ये हमको जवाब आप दे दो, 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अभी 6.5 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, और नीतीश जी भी 15 साल से मुख्यमंत्री है ना, एक व्यक्ति का नाम बताइए। ये दोनों महान शक्ति, महान जननायक अपने बेटा बेटी, दामाद, भगना किसी को राजनीति में एंट्री दिया? ये दोनों शख्सियत आज चाहे तो अपने खानदान के ऑल मेंबर को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने का कार्य करेगा, लेकिन इस पर्सनालिटी के दामन पर दाग नहीं है। और लालू जी का इतिहास उनटा जो पेट में बच्चा पल रहा है, चिराग जी का इतिहास उनटा जो पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसके लिए भी प्लान तो नहीं है। राज्यसभा क्या ये यकीन लेकर जाऊं कि नरेंद्र सिंह के बेटे राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, राजनीति में क्यों नहीं आएंगे? अपने परिवारवाद के खिलाफ नो नो, वो दरी उठावे मतलब झाड़ू दे, कार्यकर्ता के रूप में आए और बिल्कुल नीचे से शुरू करें। एकदम उसको हक है, लोकतंत्र में जब वो अपना मतदान करते हैं तो उनको भी हक है, जो मैं लोकसभा लड़ू, विधानसभा लड़ू, मुखिया लड़ू, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन उसको झाड़ू देना होगा, दरी बिछाना होगा और मतदाता को विश्वास दिलाना होगा मैं आपका बेटा बनने लायक। मतलब आपने जिस तरह से राजनीति शुरू की बिल्कुल पहले कखरे से, वैसे ही आपके बेटे भी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे आप? नहीं, हेलीकॉप्टर से कभी नहीं। मेरा बेटा हो या भाई हो, राजनीति करना है तो पहले दरी बिछाओ, जीरो से कोखो करो। और जिनको भैया विकास दिखाने पड़ता है, मेरा घर कहाँ है मालूम? इसी धरती पर है। और मैं पत्रकार बंधु से एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिसको विकास दिखाई नहीं पड़ता है, विकास एक रथ को बैठ के कहता है विकास नहीं है। पूरे बिहार में जो सड़क का जाल बिछा, सड़क के पर खड़ा होकर कहता है, आप क्यों नहीं पूछते हो ये सड़क लालू जी बनाए, ये सड़क रामो बामो कामो बनाया? एक उम्मीदवार है कहता है मटियानी सदियों खड़ा, उसको ज्ञान ही नहीं। सब दिन तक उस खानदान के द्वारा गांजा अफीम की खेती की गई बेगूसराय में, हजारों माँ और बहना विधवा हो गई मटिहानी की धरती पर, विधवा। आज भी हमारी माँ और बहना आंगन में विधवा खड़ी है, यही रामो बामो कामो के कारण। आप चले जाओ लबागो, वो मेरा कर्म भूमि है, पूरे विधानसभा कर्म भूमि है, घर के साबे ममर सिंह माँ, ठीक है ना? आप लबागो मिट्टी को पूछो बोगो क्या है, ठीक है? वहां चले जाना बाबू, मैं जनप्रतिनिधि से अधिक बढ़ के जनता की सेवा करता हूँ, क्योंकि हमारे जीन में मानवीय संवेदना है। नवागांव में 10 कट्ठा मैंने जमीन खरीदा जनता के जन सहयोग से, और अपने मैडम जी के नाम पर मैंने दान किया और 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। उस शख्सियत से पूछो जो झोपड़ी लेके घूम रहा है, जो लबागांव में उस मिट्टी ने तेरे को जन्म दिया, उस मिट्टी ने तेरे को संस्कार दिया, तुम इस मिट्टी में एक छीटा माटी कहीं दिया है? किसी गरीब के घर में आंसू पोछा है? किसी के माथे के दर्द के को गोटी दिया है? अरे तेरे जीन में मानवीय संवेदना नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा बात पूछिएगा, ये तेरे घर में बिजली है क्या? तेरे KDM होटल में बिजली है क्या? और बिजली से जब कैंसर होता है, दम्मा होता है, TV होता है, तो तू बिजली कटा ले यार, और उसमें एक लालटेन टांग दे, एक डिबिया टांग दे। बिजली से जब कैंसर है तो कैंसर से नफरत करो। अंतिम पूछना उससे भाई, अंतिम पूछना एक लाइन मात्र, माँ सरस्वती के मंदिर आप लबागांव चले जाइए, जमीन नहीं थे, बहुत छोटा सा जमीन था, बच्चे को खड़ा होने में कठिनाई होती थी, यही बेटा पैदा लिया, जो 3 कट्ठा जमीन खरीद के उस विद्यालय में मैदान किया मैडम के नाम पर। एक हमारे मित्र थे बागडोह में, राम ज्ञान दा, उनका माता श्री गुजर गई थी, उनसे मैंने कहा भोज नहीं कीजिए, चलिए माँ सरस्वती के दरबार में 3 कट्ठा जमीन दे दीजिए। 3 कट्ठा उन्होंने दान किया, और 6 कट्ठा
विकास कोष से पैसा निकाल के 12 कट्ठा जमीन खरीद के उस नया गांव इस धरती पर माँ सरस्वती का मंदिर बनाया है। जाके उस गांव में विकास देख लीजिए, बिजली के सवाल पर, सड़क के सवाल पर, हॉस्पिटल के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, तब मटिहानी विधानसभा होगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक फिर से ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आएंगे तो नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही नरेंद्र कुमार सिंह से फिर से गुफ्तगु जारी। अंकुर बायो क्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर WHO के मापदंड पर 100% खरा, झारखंड का पहला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मटियानी के विधायक और फिर से जदयू NDA के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह से, उर्फ बोगो सिंह से। नरेंद्र जी, नीतीश कुमार के आप सबसे करीबी सच्चे सिपाही माने जाते हैं, नीतीश कुमार की सभा में अलग अलग तरह की चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है, विरोध भी देखने को मिल रहा है, लोग उनके विकास को झुठला भी रहे हैं, क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार को अब जनता नापसंद करने लगी है? देखिए, बेबाक बोलता हूँ, माँ दुर्गा ने कहा है बेटा तेरा सोजी तो होगा और सारा भी होगा, तो सारा तो समझ गए तो झूठ क्यों, झूठ क्यों। मैं नीतीश कुमार का एक लठैत हूँ, फॉलोवर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं जदयू नहीं हूँ, राजनीति मेरे जीन में नहीं है। नीतीश कुमार इज इक्वल टू विकास, नीतीश कुमार इज इक्वल टू बिजली, नीतीश कुमार इज इक्वल टू किसान के खेत में पानी, नीतीश कुमार इज इक्वल टू यूथ का धड़कन, नीतीश कुमार इज इक्वल टू स्टूडेंट का धड़कन, नीतीश कुमार इज इक्वल टू झोपड़ी में दीप जलाने वाला बेटा। दुनिया दुनिया के लोग विश्वास करना बिहारी पर छोड़ देंगे जिस दिन बिहार की धरती पर नीतीश कुमार चुनाव हार जाएगा। दुनिया बिहारी पर विश्वास करना छोड़ देगा, कहेगा जो बिहारी को जाति से मतलब है, बिहारी को धर्म से मतलब है। बिहार में तो जातिगत वोट का बड़ा मायने होता है, दुखद है ना। बिहार को क्षेत्रवाद से मतलब है, बिहार को विकास से मतलब नहीं है। इसलिए मैं बिहार वासियों से कहता हूँ, जो आंख में जो अंडी लगल है और मोतियाबिंद लगल है, नीतीश कुमार के सभा में एक साजिश है। 10 गो बंदर, लालू यादव को हम बोले थे तो आप लोग बहुत होशियार हैं, फिर हमको गाली सुनाइएगा। हम बोले थे पढ़े लिखे यादव जो हैं वो NDA के साथ, और जो लंपट हैं, जिनको बीमारी है जात का, जो अपने आप को कहते हैं लालू ये भगवान है और डाकू है तू हमर भगवान है, वो एक प्लॉट हो रही है उनके द्वारा। किसी सभा में जाके 10 गो लड़का हो, ये सब नाटक बिहार की जनता समझती है। और चुनाव के समय विभिन्न प्रकार के नौटंकी भी होंगे, हो सकता है कोई राजद का प्रत्याशी अपना अंगा फाड़ लेगा और यादव जी टोला में घुस जाएगा, जे देखो हमारा NDA के कार्यकर्ता मार लग, बचाए ले, सब खेल होगा। इसके लिए भाई आपसे मेरा सिर्फ यही आग्रह है, जो ना आप नीतीश जी के एंट्री होइए, ना लालू जी के एंट्री होइए, विकास जो बिहार में हुआ है ईमानदारी से अपनी कलम, माँ सरस्वती ने आपको कलम दिया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है, उस कलम की आवाज को जिंदा रखिएगा, ये मेरा आपसे आग्रह जरूर है भाई। महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रत्याशी या नाम सामने तेजस्वी का लाया गया है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो सब लोग की चर्चा हम नहीं करते, वो तो जेल के रास्ते पर खड़ा है, वो बच्चा उस घर में अच्छा पैदा लिया।